हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। अगर आप भी इंटरटेनमेंट के साथ अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो अभी जाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर से दबा दीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली के 3 पिन वालों प्लगों में अर्थिंग की पिन बाकी पिनों से लंबी और मोटी क्यों होती है? इसका कारण है यही कि अर्थिंग की पिन बिजली के यंत्र से लीक हो रहे किसी भी करंट को अर्थ यानी कि ग्राउंड तक पहुँचाकर डिस्चार्ज करती है, ताकि उपयोग करने वाले व्यक्ति को करंट नहीं लगना चाहिए और बिजली का यंत्र भी सुरक्षित रहे। और इसका और भी एक कारण है, इस पिन को सबसे बड़ी और लंबी इसलिए रखा जाता है ताकि यह सॉकेट के चेक में सबसे पहले जाए और सबसे बाद में बाहर निकले। जब हम प्लग को कनेक्ट करते हैं तब यह लंबे पिन मेन से कनेक्शन स्थापित होने से यानी कि पेज से कनेक्शन स्थापित होने से पहले यंत्र के धातु की बॉडी में बचे रह गए करंट को अर्थ यानी कि ग्राउंड तक पहुंचाती है। इसी तरह कनेक्ट करते वक्त हमारे यंत्र सबसे पहले अर्थ से कनेक्ट हो जाता है यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है और बाद में बिजली के मेंस यानी कि फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट होता है। यदि इस पिन को लंबा और बड़ा नहीं रखा जाएगा तो अर्थिंग मिलने के पहले ही यंत्र मेंस से कनेक्ट होकर नुकसान पहुँचा सकता है। इसका एक कारण और भी है, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ से फ्लो करता है, इसलिए वो पिन ज़्यादा चौड़ी और लंबी होती है। इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि पानी का पाइप होता है, जितना पाइप छोटा रहेगा उतना ही पानी कम आएगा और जितना पाइप बड़ा होगा उतना ही पानी ज़्यादा आएगा, यही कारण है। इसी तरह से पानी यानी कि करंट होता है और पिन जो है वो है पाइप। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते अगले फैक्ट की तरफ। आपने कभी गौर किया होगा कि जब भी कभी बारिश आती है हाई टेंशन लाइन के तारों की आवाज़ आती है। अगर वैज्ञानिकों की बात पर गौर किया जाए तो वो इसका कारण बताते हैं कि बिजली के तारों से निकलने वाला शोर उनमें बहने वाला अल्टरनेटिव करंट की वजह से होता है। इसी विद्युत धारा के कारण तारों के आसपास विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है जो तारों में यानी कि जो तारों की सतह पर मौजूद पानी पर असर डालता है। इसका कारण ये होता है कि तारों के विद्युत क्षेत्र में पानी की सूक्ष्म बूंदें आ जाती है। इन बूंदों में विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आने के कारण कंपन उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न कंपन के कारण विद्युत धारा बहने से उत्पन्न गर्मी से वहाँ की हवा अचानक फैलती है और शोर उत्पन्न करती है। अगर बारिश नहीं हो रही है तब भी आवाज़ आ रही है तो इसका कारण है कोरोना इफेक्ट। मैं वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रिकल में होता है। कोरोना इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में बहने वाले हाई करंट के कारण उस कंडक्टर के चारों तरफ मौजूद एयर का आयोनाइजेशन यानी कि आयनीकरण हो जाता है, जिससे एक चमत्कारी बैंगनी वॉयलेट कलर की रोशनी निकलती है। इसके साथ ही हिंसिंग की आवाज़ आती है। तो यही ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, तब तक के लिए मेरे भाइयों, बाय बाय।